हे चैम्प्स, मेरा नाम है लक्ष्य वर्मा और आज हम एक पोएम पढ़ेंगे जिसका नाम है इट्स टाइम टू मो द फ्लावर्स। इस पोएम को सिमिन बहबहानी जी ने लिखा है। बहबहानी जी पैदा हुई 1927 को। वो एक ईरानियन पोएट थी। बहबहानी जी का नाम जुड़ा हुआ है पर्शियन गज़ल से। इनकी पोएम्स जिप्सीज से भरी होती थी। इनको जिप्सी वुमेन की फ्रीडम और इंडिपेंडेंस अट्रैक्टिव लगती थी। तो चलिए बिना आपका टाइम वेस्ट करे पोएम को इजी लैंग्वेज में समझते हैं। इट्स टाइम टू मो द फ्लावर्स, डोंट प्रोक्रेस्टिनेट, फेस द सिकल्स, कम। इन लाइनों का मतलब है कि इस पोएम में फ्लावर्स, ब्लॉसम, ग्रास कनेक्टेड है पोएट्री राइटर्स, आर्टिस्ट से। पोएट चैलेंज करती है रूलर्स और गवर्नमेंट को कि जितनी पावर है यूज़ कर लो और अपना बेस्ट दो फ्लावर को कट करने में और ग्रास को मो करने में। पोएट रूलर्स और गवर्नमेंट को बोलती है कि डिले मत करो और अपने सारे वेपन्स ले आओ, जैसे कि सिकल्स। चैम्प्स, मो का मतलब होता है कोई चीज़ को उखाड़ना। सिकल्स एक वेपन है जिससे फसलें काटते हैं और प्रोक्रेस्टिनेट का मतलब होता है डिले करना। डोंट स्पेयर अ सिंगल ट्यूलिप इन द फील्ड्स, द मेडोज आर इन ब्लूम, हु हैज़ एवर सीन सच इंसोलेंस। इन लाइन में पोएट बोलती हैं कि एक भी फील्ड के फ्लावर्स की ट्यूलिप को मत छोड़ना। आगे वो बोलती हैं कि फील्ड्स में ग्रास काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई है, ऐसी इंसोलेंस किसने देखी है। चैम्प्स, स्पेयर का मतलब होता है छोड़ देना। ट्यूलिप एक फ्लावर है। मिडोज का मतलब होता है ग्रासलैंड। ब्लूम का मतलब होता है फ्लावर और इंसोलेंस का मतलब होता है बदतमीजी। द ग्रास इज ग्रोइंग अगेन, स्टॉप नोवेयर एल्स बट ऑन इट्स हेड। इन लाइनों में पोएट बताती है कि ग्रास वापस से ग्रो हो रही है और हमें उन ग्रास के हेड पर चलना होगा। पोएट बेसिकली रूलर्स और गवर्नमेंट को चैलेंज कर रही है ग्रासेस के ऊपर स्टेप करने के लिए। ब्लॉसम्स आर ओपनिंग ऑन एवरी ब्रांच, एक्सपोजिंग द हैप्पीनेस इन देयर हार्ट्स, सच कलरफुल एग्जिबिशंस मस्ट बी स्टॉप्ड। इन लाइनों में पोएट बताती है कि फ्लावर ग्रो कर रहे हैं हर ब्रांचेस पर, जो कि अपने हार्ट की हैप्पीनेस को एक्सपोज कर रहे हैं। पोएट रूलर्स और गवर्नमेंट को चैलेंज करती है कि वो इस फ्लावर के कलरफुल एग्जिबिशन को रोक कर दिखाए। ब्रिंग योर स्कैल्पल्स टू द मेडो, टू कट आउट द आईज ऑफ फ्लावर्स, सो दैट नन में सी और डिजायर। इन लाइनों में पोएट बताती है कि पोएट चैलेंज करती है रूलर्स और गवर्नमेंट को कि वो स्कैल्पल्स ले आए इस ग्रास के फील्ड में और फ्लावर्स को कट कर दें ताकि कोई भी हैप्पीनेस को डिज़ायर या देख ना पाए। चैम्प्स, स्कैल्पल्स एक वेपन होता है और आइज ऑफ फ्लावर्स का मतलब होता है वो लोग जो देखना या क्वेश्चन करना बंद कर देते हैं अगर गवर्नमेंट और रूलर्स लोगों की आंखें निकाल ले या उन सभी देखने वाली चीज़ों को डिस्ट्रॉय कर दें। Let not seeing I remain, I fear the Narcissus is spreading its corruption। इन लाइनों में पोएट बोलती हैं कि कोई भी आंखें बचनी नहीं चाहिए। पोएट को डर है कि नार्सिसस फ्लावर अपना करप्शन फैला रहा है। Stop its displays in a golden bowl on a six-sided tray। इन लाइनों में पोएट बताती है कि रूलर्स के लिए वो गोल्डन बाउल में पड़ा हुआ नार्सिसस फ्लावर एक करप्शन की तरह है। पोएट बताती है कि इस गोल्डन बाउल में रखे नार्सिसस फ्लावर को सिक्स साइडेड ट्रे में प्रेजेंट करना रोकना होगा। व्हाट इज द यूज ऑफ योर एक्स इफ नॉट टू चॉप डाउन द एम ट्री। इन लाइनों में पोएट क्वेश्चन करती है कि एक्स की यूज ही क्या है अगर उनको एम ट्री नहीं काटना। इन द मैपल्स ब्रांचेस अलाउ नॉट अ सिंगल बर्ड अ मोमेंट्स रेस्ट। इन लाइनों में पोएट चैलेंज करती है रूलर्स और गवर्नमेंट को कि वो बर्ड्स को मैपल ट्री के ब्रांचेस पर बिल्कुल रेस्ट ना करने दे। चाहे मैपल एक ट्री है। पोएम्स and the wild mint bear messages and perfumes. इन लाइनों का मतलब है कि पोएट की पोएम्स उन वाइल्ड मिंट की तरह है जो कि ग्रो कर रहे हैं, उनमें खुशबू है और एक अच्छे कल के लिए मैसेज है। चैम्स, वाइल्ड मिंट एक मिंट का प्लांट है। डोंट लेट देम क्रिएट अ रायट विद देयर वाइल्ड सिंगिंग, माई हार्ट इज ग्रीनर देन ग्रीन। इन लाइनों का मतलब है कि पोएट की पोएट्री वाइल्ड सिंगिंग की वजह से रायट क्रिएट कर सकती है, लेकिन पोएट ऐसा करने से रोकने को कहती है। पोएट का हार्ट अब ग्रीन से भी ज़्यादा ग्रीन बन चुका है, यानी कि बहुत प्योर हो चुका है। चैम्स, राइट का मतलब होता है दंगे करना और ग्रीनर देन ग्रीन का मतलब होता है प्योर होना। फ्लावर्स स्प्राउट फ्रॉम द मड एंड वाटर ऑफ माई बींग, डोंट लेट मी स्टैंड इफ यू आर द एनिमीज ऑफ स्प्रिंग। इन लाइनों का मतलब है कि पोएट का हार्ट रिच है और फर्टाइल है, बिल्कुल मड और वाटर की तरह। पोएट कहती है कि उनके पास स्ट्रेंथ और करेज है लड़ने के लिए। वो रूलर्स और गवर्नमेंट को ओपन चैलेंज देती है कि वो पोएट को मार दे अगर वो स्प्रिंग के एनिमीज हैं।